सुबह देखता हूँ कि प्लूटो घर से गायब है। गेट खुला देखकर बाहर भाग गया होगा, फिर उसको ढूंढता हूँ तो मिलता ही नहीं है। फिर देखता हूँ ये तो दादाजी के साथ हायबुजा पर बैठकर आ रहा है। हाँ भाई, कहाँ गया था, कहाँ घूम कर आया है। फिर मैं इसको कॉलर पहना देता हूँ। फिर मैं चिली को खाना देने जाता हूँ तो पटेटो आकर चिली के साथ ही लड़ने लग जाता है। ये वैसे ही बीमार हो रही है, ऊपर से इसके साथ लड़ाई करता है। फिर रात हमारी छत का एक फैन टूट कर गिर गया था, उसको सही करवा के लगवाता हूँ। फिर मैं ट्रैक्टर लेकर फार्म पर जाता हूँ तो साथ में जाने को प्लूटो भी रोने लगता है, तो मैं इसको भी ले जाता हूँ। फिर फार्म के पास आते ही प्लूटो कूद कर भाग जाता है। इसको सब पता है कि हमारे खेत कहाँ पर है। फिर मैं अपना काम करता हूँ, देखो प्लूटो जाकर पानी में मजे कर रहा है। फिर मेरा काम खत्म हो जाता है। फिर मैं प्लूटो को ट्यूबवेल में नहलाने के लिए सोचता हूँ। इसको पकड़ते पकड़ते मेरी चप्पल में कांटा भी घुस जाता है। फिर मैं इसको बहुत मुश्किल से जाकर पकड़ ही लेता हूँ। फिर मैं और प्लूटो बड़े मजे से नहाते हैं। फिर घर को आते हैं। फिर शाम को घर पर पूरी कचौरी बनती है तो प्लूटिंग और उसकी सेना राल टपका कर देखने लगते हैं। फिर डाकू चुपटर चुपके से पूरी उठाकर रफू चक्कर हो जाता है।